पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे जो मॉरेटोरियम आपने फर्स्ट फेज का और जो सेकेंड फेज का आप ले रहे हो, ऐसे तो हमने आपको इनडायरेक्टली बता दिया है। जो आप आने वाले टाइम पे यदि आप कोई बड़ा अमाउंट सोच रहे हो बैंक से लेना, तो शायद आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी यदि आप मॉरेटोरियम आपने फर्स्ट फेज का और सेकंड फेज का लिया होगा तो। ठीक है, तो ये हमने आपको अपने वीडियोस में एनालिसिस करके बताया हुआ है, सिविल इसमें भी बताया हुआ है और भी होगा, कई सारे वीडियोज होंगे जिसमें हमने बताया हुआ है। तो बेसिकली आप ये वाली और ये वाली सिविल स्कोर वाली देख सकते हो, लेकिन इसमें नया क्या होगा, जो अभी आप जो वीडियो देख रहे हो इसमें आप क्या नया जानोगे वो आपको मैं बता दूं। इस वीडियो में आप जानेंगे बिल्कुल प्रूफ के साथ में, प्रूफ आप देखेंगे, ठीक है, और वो बहुत बड़ी प्रूफ देखेंगे आप। इंडिया की जो टॉप लीडिंग कंपनीज़ हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, बिजनेस पोर्टल्स हैं, ठीक है, सो हम आपको उसका प्रूफ रखेंगे और एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे। और इसका हमने आज रिसर्च किया, बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी, मैंने सोचा जो आप लोगों के लिए प्रूफ के साथ कोई जानकारी लाया जाए। और ऐसे में बात सही है, जो आप लोग चाहते भी होंगे सोचते भी होंगे, जो यदि आरबीआई ने तो बोल दिया मेरा सिविल ख़राब नहीं होगा, बैंक भी बोल दिया मेरी क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ तो अंदर में बात होगी ना जो बैंक आपको बता नहीं रही है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो बात होगी। हर कोई बोल रहा है ख़राब नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, अब होगा क्या और उनसे क्या क्या निगेटिव असर पड़ सकता है वो हमने आपको इसमें बताया हुआ, इस वाले वीडियोज़ में। लेकिन हमारे पास आज बहुत बड़ी क्वेरीज आई हुई है, ठीक है, दो तीन दिन से आ रही थी इस वीडियोज़ के बाद में, तो हमने बहुत रिसर्च किया, ठीक है ना, बहुत मेहनत की है। तो दोस्त आप लोग हमारे वीडियो को देखते तो ज़रूर हो, लेकिन आप लोग दुखी कर देते हो, शेयर नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। आप जानते हो आपको एक एक वीडियोज़ बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी रिसर्च लगता है, फिर जाके हम आपको सही जानकारी रखते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्त आप लोग सब्सक्राइब करके या वीडियो को शेयर कर दिया करो सभी जगह, ताकि उनको भी जानकारी हो सके, वीडियो देखें, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं आपको, अब हम पॉइंट टू पॉइंट वाइज आएगा, अलग अलग वीडियो आएगा, वीडियो छोटा ही रखेंगे, ठीक है। देखो हमने बताया था जो आपकी स्कोर जो है निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्कोर तो नहीं ये होगा, लेकिन जब जो क्रेडिट रेट बैंकर्स हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, बैंक हैं, ये लोग जब आपको इन फ्यूचर अगले एक साल के अंदर यदि आप कुछ भी लेते हो, चाहे आपको लिमिट बढ़ाने का हो या आप कोई क्रेडिट फैसिलिटी इन द सेंस आप लोन लेते हो किसी भी तरह का, तो बैंक वहाँ पे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगी, ठीक है ना, जो आप कितने। अब ये देखो मनी कंट्रोल का हमने काफ़ी रिसर्च करके बहुत सारे कीवर्ड लगा के हमने निकाला हुआ है, इनकी आर्टिकल है moneycontrol.com का, ठीक है ना। ये देखो मनी कंट्रोल के बारे में आपको जानकारी होगा यदि आप बिजनेस लाइन से हो तो। ये देखो ये आर्टिकल है दोस्त, ये 25 मई 2020 का 1:24 पे इन्होंने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। और मनी कंट्रोल पे आर्टिकल का मतलब आप समझ सकते हो जो ये कितनी जगह से जानकारी इकट्ठा किया होगा जानकारी, और फिर जाके ये अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। अब ये देखिए मनी कंट्रोल, ये 25 तारीख की आर्टिकल है, 25 मई का, और आरबीआई ने नोटिफिकेशन कब निकाला एक्सटेंशन का, 22 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 23 को नोटिफिकेशन निकाला, और 25 को इन्होंने, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी बिजनेसमैन हो, चाहे छोटे से छोटे बिजनेसमैन हो, चाहे कितने का भी लोन लिया हो, हर किसी के दिमाग में यही चल रहा होता है, हमने लोन तो लिया है, क्रेडिट कार्ड तो लिया है, मॉरेटोरियम भी ले लिया है, बैंक ये बोल भी रही है हम आपका सिविल स्कोर ख़राब नहीं करेंगे, आरबीआई भी बोल दिया भाई हम आपका सिविल स्कोर ख़राब नहीं होगा, आपको परेशानी है तो आप लोन ये मॉरेटोरियम ले लो, मॉरेटोरियम पार्ट टू भी ले लो, ठीक है, सब ले लो। लेकिन अब देखो जो आदमी पैसा आपको देता है ना, तो वो बहुत कुछ चीज़ों को एनालिसिस करके देता है। अब इस वीडियो में देखो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ हाउ मॉरेटोरियम एक्सटेंशन यानी मॉरेटोरियम पार्ट टू जो है विल इम्पैक्ट योर क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है जो देखो ये वाली पॉइंट हम आपको बता देते हैं, इन थ्योरी ऑफ ऑप्टिंग दिस एनपीए, देखो एक तो बैंक आपकी क्या कर रही है, जो एनपीए आपकी जो लोन है या क्रेडिट कार्ड का है बिल है, ये एनपीए नहीं होगा, एक तो ये बोल रहा है एनपीए नहीं होगा, और इनका क्या है जो नो एडवर्स
रिपोर्टिंग विल हैपन टू सिबिल, मतलब जो कोई उल्टा रिपोर्टिंग होती है ना, जैसे मान लो आप नेगेटिव रिपोर्टिंग होती है, आप पे नहीं करते, ओवरड्यू हो गया तो कोई नेगेटिव रिपोर्टिंग हो गई, आपकी एनपीए नहीं होगा, ठीक है, तो वो नेगेटिव रिपोर्टिंग भी नहीं होगी बैंक की तरफ से, ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक बात ठीक है। उनके बाद ये देखो अगला पॉइंट देखो, हाउएवर जबकि इट इज़ सर्टेन टू इम्पैक्ट योर डेब्ट राइजिंग कैपेबिलिटी इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, इसका मतलब समझ लेना, अभी मैं बताऊंगा आपको हिंदी में। इन द नेक्स्ट 3 to 12 months बैंकर्स आर लाइकली टू बी कॉशस, आपको ये इसका मीनिंग समझना कॉशस का, और आपको ये 3 to 12 months का मीनिंग समझना है। और वाइल सैंक्शनिंग EMI बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी टू द ब्रोवर हैव अवेल द मॉरिटोरियम, बस इतना ही, इसी दो लाइन को आपको समझ लेना है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, यदि आप मॉरिटोरियम एक्सटेंशन लेते हो और यदि आपने मॉरिटोरियम ले लिया है आपने, ठीक है ना, तो इस बीच में यदि आप अभी आपकी सिचुएशन, हर किसी की सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, अब क्या होगा, यदि आपने मॉरिटोरियम फर्स्ट फेज का लिया और सेकेंड फेज का भी ले रहे हो, तो यहाँ पे जब आप अगले 3 महीने का, यानी अब देखो अभी 3 महीने के बाद सितंबर, अभी 3 महीने के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा, उसके बाद दीपावली आएगी, तो उस जो वो जो फेस्टिवल वाली टाइम है, उस टाइम पे बैंक क्या करती है माय डियर फ्रेंड, आपको लोन देती है ना, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन देती है, लिमिट इंक्रीज कर देती है, आपको जानकारी होगी ना ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का, तो अब वो चीज़ आपको मिलने वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो प्री अप्रूव्ड मेरे को ये आ जाएगा, लिमिट बढ़ जाएगी, लोन मिल जाएगा, वो चीज़ नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि ये देखो अभी जो सिचुएशन चल रही है, ये 3 से 12 महीने में बैंक कॉशस, मतलब बहुत ही सतर्कता बरतेगी, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस है वो ख़राब हो गई है, आपकी सिचुएशन इधर उधर की हो गई है, अब बैंक आपके ऊपर भरोसा करे तो करे कैसे, क्योंकि आप 3 महीने की सिचुएशन को आप बढ़ाते हुए 6 महीने ले गए, 3 महीने में NPA हो जाती है, 1 महीने में SMA हो जाती है, एक ठीक है, फिर SMA 1 होता है, ठीक है ना, और फिर NPA होता है, तो इन सब चीज़ों को भी आप झेल नहीं पा रहे हो, तो आपके ऊपर बैंक कैसे भरोसा करेगी, जो आप आगे आपको जो लिमिट दिया जाए उनका आप बैंक को वापस करोगे ही करोगे, ठीक है। तो ये मेन हमने यही पॉइंट आपको बताना चाह रहे थे इस वीडियोज़ में, जो आने वाले दीपावली के टाइम होगा, दशहरा का टाइम होगा, उस टाइम पे आपको मॉरिटोरियम लेने के बाद आपको मिलना बहुत कठिन है, जो आपको प्री अप्रूव्ड कोई भी बैंक लोन का ऑफ़र दे दे या आपको कोई लिमिट इंक्रीज़ का ऑफ़र दे दे, तो बैंक उसके बाद भी आपको ये बैंक ये कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी देने से पहले कुछ सोचेगी ज़रूर, जो आपकी आपको लोन दे या नहीं दे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब दूसरे वीडियो जो आएगा उस वीडियो में हम इसी पॉइंट को हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा पॉइंट है जो आपको जानना ज़रूरी है यदि नहीं जानेंगे तो फिर आपके लिए निगेटिवली असर पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो अब आपके लिए हम इतना जानकारी इकट्ठा करके लाए हैं, तो आप चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लो, और अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को व्हाट्सअप में जहाँ भी मर्जी है वहाँ पर शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी देखें, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर